नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। आजकल भागदौड़ भरी लाइफ में लोग अपनी सेहत का कुछ खास ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण लाइफस्टाइल और खान पान बिगड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए थोड़ा सजग रहते हैं और खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपको स्वस्थ रहने के लिए न सिर्फ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप दिन में कितनी बार खाना खा रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब आपको असल में भूख लगती है तो पाचन अग्नि का निर्माण होता है, जो आपका भोजन पचाने का काम करता है। आपको दिन में तभी खाना खाना चाहिए जब आपको ठीक तरह से भूख लगे। बिना भूख के बार बार अत्यधिक मात्रा में खाना खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप शरीर से पतले हैं तो खूब एनर्जी का काम करते हैं, तो 4 मील के सेवन से आपके स्वास्थ्य को फायदा मिल सकता है। जब आपको भूख लगे आप तब भी खाना खाएं और भूख का 80% खाना खाएं। सूर्यास्त के बाद खाने से बचें। सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन करें। अगर आपको सोने के समय भूख लगती है तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। अच्छी इम्यूनिटी के लिए एक चुटकी हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। एक दिन में 3 मील। योग शास्त्र में दिन में 3 बार भोजन करने वाले व्यक्ति को रोगी कहा गया है। हालांकि ये एक बैलेंस लाइफस्टाइल है, जिसमें हल्का नाश्ता, थोड़ा सा लंच और बहुत कम डिनर सूर्यास्त से पहले किया जाता है, जिसमें 14 से 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होती है। योग शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को हल्की इम्यूनिटी का माना जाता है और ऐसा व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है जो दिन भर खाता रहता है। एक दिन में 2 मील। योग और आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में 2 मील खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। व्यक्ति अपने भोजन में 6 घंटे का अंतराल रखे, इससे व्यक्ति को भोजन पचाने के लिए समय भी मिल जाता है। जबकि दिन में 2 बार भोजन करने वालों को योग में भी भोगी कहा जाता है, जो भोजन का पूरी तरह स्वाद लेता है। आयुर्वेद के अनुसार हेल्दी खाना ही नहीं, सही पर सही डाइट लेना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यदि शरीर की आवश्यकता से अधिक आप खा रहे हैं तो आयुर्वेद के अनुसार ये आपकी हेल्थ के लिए गलत है, और यदि आप आवश्यकता से कम खा रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।